एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मृतक राजेश सिंधी के परिजन सहित समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, दिया धरना। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आज शनिवार को मृतक राजेश सिंधी के परिवारजन सहित समाज के लोग इकट्ठा हुए और प्रदर्शन कर धरना दिया। आपको बता दें कि कल शुक्रवार रात को पावटा चौराहे के पास सेना के ट्रक ने राजेश सिंधी को कुचल दिया। आज शनिवार को परिवारजन और समाज के लोग मोर्चरी पर इकट्ठा हुए और राजेश सिंधी को न्याय दिलाने की मांग की, तो वहीं सिंधी समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर रास्ता जाम कर ट्रक चालक को गिरफ्तार करने के साथ न्याय की मांग की है। तो वहीं मूर्ति के बाहर सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, उप महापौर किशन लड्डा, समाज के प्रतिनिधि लक्ष्मण खेतानी, राम तोलानी और पार्षद मौजूद थे। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने बताया कि घटना बहुत ही दुखद है, ट्रक की लापरवाही के कारण राजेश सिंधी की मौत हो गई है। मैंने परिवार जन को सांत्वना दी है। परिवार जनों का कहना है कि 50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दोपहर मृतक का शव नहीं उठाया गया। सुबह मैंने पेपर में भी पढ़ा और राजू जी सम्मानी ने मेरे को सारी इतला दी, ये हादसा इस तरीके से हुआ है, रात की टाइम हादसा हुआ था और आर्मी की या मिलिट्री की कोई भी गाड़ी हो या प्राइवेट भी हो, किसी की भी, उसका दायित्व बनता कि वो अपनी गाड़ी रोकते और उस व्यक्ति को हलाते, उनके वो ख़त्म हो गया। अब उनके परिवार में कोई नहीं है और कोई भी कमाने वाले गांधी गृह के क्वार्टर में रहते हैं, गरीब आदमी हैं, इनको सारी मदद मिलनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि इनको मदद करे, इनके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है तो इनको कोई नौकरी दे, इनको मुआवजा दे। मैंने अभी जिलाधीश कलेक्टर से बात की है, कलेक्टर साहब ने बताया कि भाई मैं जयपुर तक बात करके आपको बताऊंगा, वो जयपुर बात करेंगे। हम चाहते वो अगर ट्रक को ब्रेक लगा देते वो हाँ गया, तो ये ऐसे बता रहे हैं, ऐसे वो नहीं किया ना, उस गाड़ी को सीज किया कि नहीं किया, मेरे को पता किया गया सीज किया, अच्छा गाड़ी वगैरह सीज की है ऐसा बता रहे हैं ये, और इस तरीके से उनको भी वो गाड़ी चला रहा था उसको पूछना तो नहीं हुआ है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है, अगर कब तक यहाँ पे ये धरना नहीं माने तो मांगे मनानी पड़ेगी, नहीं कैसे मानेंगे, मानना पड़ेगा इनको, इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और वो मांग नहीं मानेंगे क्या, नहीं आगे क्या रहेगा, हम मना के रहेंगे। ये कोई बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, एक व्यक्ति गए घर में से उसका सवाल है, इनका या कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, या कोई इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है कि हम भी इनके सब साथ हैं, पूरी जनता इनके साथ है, होना चाहिए।